Hey guys, welcome back to our channel. दोस्तों, आज हम आपके लिए मलयालम लैंग्वेज की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म दृश्यम 2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि 2013 में आई दृश्यम मूवी की सीक्वल थी। पर आगे बढ़ने से पहले हम दृश्यम 1 की स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट में कवर करेंगे, ताकि आप मूवी को ठीक से समझ सके। ये कहानी जॉर्ज कुट्टी और उसकी वाइफ रानी, बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी अनु के इर्द गिर्द घूमती है। इनकी जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी कि एक दिन अंजू स्कूल की तरफ से पिकनिक जाती है, जहां उसका एक स्कूलमेट वरुण अंजू की नहाते हुए रिकॉर्डिंग करता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। और जब ये बात अंजू की माँ रानी को पता लगती है, तो वो वरुण से उस वीडियो को डिलीट करने को कहती है। लेकिन वरुण के मना करने से वहाँ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अंजू को अपनी इज्जत बचाने के लिए वरुण से लड़ना पड़ता है, जिसमें गलती से वरुण की मौत हो जाती है। फिर अंजू के पिता जॉर्ज अपनी फैमिली को बचाने के लिए वरुण की डेड बॉडी को ऐसी जगह छुपा देता है जिसका आखिर तक किसी को पता नहीं चलता। पर इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस को ये पता लगता है कि वरुण के मिसिंग होने में जॉर्ज और उसकी फैमिली का ही हाथ था। अब क्योंकि वरुण आईजीपी गीता का बेटा था, गीता पर्सनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और उनसे सच उगलवाने के लिए हर तरीके अपनाती है। पर जॉर्ज अपने दिमाग से पुलिस के हर मूव्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है और हर बार उन्हें मात दे जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसके कल्प्रिट होने के बावजूद भी पुलिस को उनके खिलाफ कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता और उसे और उसकी फैमिली को इनोसेंट डिक्लेयर किया जाता है। जिसके बाद गीता अपने बेटे का गम भुलाने के लिए उस गांव को छोड़ देती है और रिटायर होकर अब्रॉड सेटल हो जाती है। तो ये थी दृश्यम 1 की अब तक की कहानी, और अब हम करते हैं इसके अगले पार्ट की डिटेल एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मूवी शुरू होती है फर्स्ट पार्ट के क्लाइमेक्स सीन से ही, जहां जॉर्ज कुट्टी वरुण की बॉडी उस अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन के नीचे दफना रहा था। तभी वहां जॉर्ज के गांव का एक आदमी जोस पुलिस वालों से बचते हुए आता है और पुलिस स्टेशन के पीछे छुप जाता है। तभी उसकी नज़र जॉर्ज पर पड़ती है, जो उस बॉडी को दफना कर बाहर आ रहा था। अब क्योंकि उसने जॉर्ज को सिर्फ वहां से बाहर आते हुए देखा था, जोस उसे इग्नोर कर देता है और वहां से भागने लगता है, जिसके बाद कुछ दूर जाने पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और लेके जाती है। अब कहानी 6 साल बाद दिखाई जाती है, जहां जॉर्ज कुट्टी गांव से बाहर शहर में अपना खुद का एक सक्सेसफुल थिएटर रन कर रहा था, जो उसने अपने ससुर की जमीन बेच कर लिया था। साथ ही वो एक मूवी भी प्रोड्यूस करना चाहता था, जिसके लिए उसने स्क्रिप्ट तो लिखी थी, लेकिन स्क्रीन प्ले के लिए उसने विजय चंद्र नाम के एक फेमस स्क्रीन राइटर को हायर किया था। उस मूवी पर वो पिछले 3 साल से काम कर रहा था, जिसके लिए उसने करीब 15 से 16 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, और इसी वजह से हर बार उसके और उसकी वाइफ रानी के बीच बहस हुआ करती। थिएटर के साथ साथ वो अपना पुराना केबल कनेक्शन वाला बिजनेस भी संभाल रहा था, और बिजनेस काफी अच्छा चलने की वजह से उसने सेफ्टी के लिए अपने ऑफिस के अंदर और बाहर कुछ दिनों पहले ही सीसीटीवी कैमरास लगा कर रखे थे, जिसकी लाइव फुटेज वो अपने मोबाइल पर भी देख सकता था। पर इतने साल होने के बावजूद भी उनका बीता हुआ कल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। गांव के कुछ लोगों के बीच अभी ये बातें होती थी कि जॉर्ज कुट्टी ने ही उस लड़के को मारा होगा, क्योंकि वहां अफवाह फैल चुकी थी कि उसकी बेटी अंजू का उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जो जॉर्ज को पसंद नहीं आया। और वहां जॉर्ज भी उस इंसिडेंट के बाद ज्यादा किसी से बात नहीं करता और लोगों को अवॉइड किया करता, भले ही उस इंसिडेंट को लेकर उसके चेहरे पर कभी कोई टेंशन नहीं दिखाई देती, पर मन से वो एक गिल्ट भरी जिंदगी जी रहा था, क्योंकि गलती से ही सही पर उनकी वजह से एक माँ बाप ने अपने जवान बेटे को खोया था। उसकी वाइफ रानी ने भी उस इंसिडेंट के बाद सबसे बात करना बंद कर दिया था और सिर्फ उसकी नेबर सरिता से ही बात करती थी। रानी के सरिता के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे और वो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। सरिता और उसके हस्बैंड साबू 2 साल पहले ही जॉर्ज के पड़ोस में रहने आए थे। साबू शराबी होने के कारण आए दिन सरिता को पीटता रहता और शराब के नशे में जॉर्ज की फैमिली को भी भला बुरा कहता, क्योंकि जॉर्ज और उसकी फैमिली हमेशा उनके झगड़े में सरिता को सपोर्ट करते और उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने की धमकी भी देते। घर में उसकी बेटी अंजू अभी भी उस इंसिडेंट को भुला नहीं पा रही थी और हमेशा इसी डर में रहती थी
कि कहीं पुलिस को उनकी असलियत पता न चल जाए, और यही डर उसके PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बीमारी का कारण बन गया, जिसमें कभी कभी उसे फिट्स या एपिलेप्सी के दौरे पड़ते। रानी अपनी बेटी के इस हालत से मन ही मन परेशान रहने लगी थी और चाहती थी कि अंजू की जल्द से जल्द शादी कराकर उसे दूसरे शहर भेज दे, जिससे शायद अंजू फैमिली और काम के चलते उस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को भूल जाएगी और उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। लेकिन अंजू का अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे सिर्फ पढ़ाई और उसके बाद जॉब करना था। उसकी छोटी बेटी अनु अपनी स्टडी के लिए शहर में रहती थी और फिलहाल अपनी छुट्टियों के लिए घर पर आई थी। अनु काफी कैजुअल और फ्री नेचर की होने के कारण उसकी माँ हमेशा उसे हर काम में टोका करती, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था उसके कारण वो अनु के लिए भी परेशान थी। अब एक दिन वरुण के पिता प्रभाकर जॉर्ज से मिलने आते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वरुण के डेड बॉडी के बारे में उन्हें बताएं, ताकि वो उसका अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को शांति दिला सके। प्रभाकर उससे वादा करते हैं कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि गीता को भी नहीं। लेकिन जॉर्ज मजबूर था, वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो उन्हें मना कर देता है। फिर उसी दिन जॉर्ज काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाता है और अपने एक दोस्त राजन के साथ मिलकर शराब पीने लगता है। राजन जॉब करने से पहले नाटक और सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स किया करता था, जिसकी वजह से जॉर्ज उसे अपनी मूवी में काम देने का वादा करता है। अब क्योंकि जॉर्ज को यहाँ काफी लेट हो चुका था, वो राजन के रूम में ही स्टे करता है और रानी को अगले दिन लौटने का इन्फॉर्म करता है। रानी और अंजू, जो उस इंसिडेंट के बाद काफी डरे हुए थे, वो जॉर्ज के बिना घर में अकेले रहने से हिचकिचाने लगते। इसलिए रानी अपनी कंपनी और सेफ्टी के लिए सरिता को अपने घर बुला लेती है। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ वही आदमी जॉर्ज, जो मूवी के स्टार्ट सीन में भागते हुए दिखाया गया था, वो जेल से छूट कर आ जाता है और अपने घर जाकर अपनी वाइफ से माफी मांगने लगता है। लेकिन उसकी वाइफ उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। दरअसल जॉर्ज ने उस रात शराब के नशे में अपने साले का गलती से मर्डर कर दिया था और अब अपने किए पर पछता रहा था। अब एक दिन जॉर्ज के घर में दो पुलिस वाले आते हैं, जिसे देखकर अंजू काफी घबराने लगती है। बट फिर पता चलता है वो रानी और जॉर्ज से उनके नेबर सरिता और साबू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, क्योंकि जॉर्ज के कहने पर सरिता ने अपने हस्बैंड के फिजिकल अब्यूज के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी। इसलिए वो पुलिस वाले रानी और जॉर्ज से सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन करने आए थे कि क्या साबू सच में सरिता को अब्यूज करता था। उसी रात अंजू सपने में कुछ पुलिस वाले को और वरुण की माँ गीता को अपने घर में इंक्वायरी करते हुए देखती है और एंजाइटी के कारण उसे एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके बाद उसे उसके रेगुलर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जिसका मानना था कि पिछले दिन घर में पुलिस आने के नर्वसनेस की वजह से उसे वो दौरे आए होंगे। कुछ दिन बाद जॉर्ज अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता है और अगले दिन लौटने का डिसाइड करता है, जिसके बाद रानी हर बार की तरह सरिता को कंपनी के लिए बुला लेती है और सोते वक्त उसी इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन शहर का एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पता लगता है कि वहां का IGP थॉमस, जो गीता का बहुत अच्छा फ्रेंड भी था, वो अभी भी वरुण मिसिंग केस पर सीक्रेटली काम कर रहा था, जिसके लिए उसने दो पुलिस ऑफिसर्स को जॉर्ज की फैमिली पर नजर रखने के लिए कहा था। और ये दो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि सरिता और उसका हस्बैंड साबू थे, जो अंडरकवर होकर जॉर्ज की फैमिली से क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उनका विश्वास जीत कर उनसे पता लगा सके कि उन्होंने वरुण की डेड बॉडी किस जगह छुपाई थी। और आज उन्हें इतना तो पता चल गया था कि वरुण को जॉर्ज की बड़ी बेटी अंजू ने मारा था, क्योंकि कल रात सरिता जब रानी के घर सोने के लिए गई थी, तब रानी ने परेशान होकर उसे इनडायरेक्टली बता दिया कि उस इंसिडेंट में उसकी बेटी की कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया कि वरुण की डेड बॉडी किस जगह दफनाई थी, क्योंकि खुद जॉर्ज ने भी अभी तक अपनी फैमिली को इस बारे में नहीं बताया था। इसलिए वो लोग अब अपनी इन्वेस्टिगेशन फुल स्विंग में स्टार्ट कर देते हैं और जॉर्ज के एक नेबर से जाकर इंक्वायरी करने लगते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि जिस दिन वरुण मिसिंग हुआ था, उसकी अगली सुबह 3 बजे उस नेबर ने जॉर्ज की गाड़ी को बाहर से आते हुए देखा था, जिसका ये मतलब हो सकता था कि जॉर्ज उस वक्त वरुण की डेड बॉडी को कहीं से दफना कर आ रहा था
और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि जॉर्ज के घर से कुछ ही दूर एक चर्च है जिसके पीछे एक सेमेट्री भी है। इसलिए वो लोग अब इन्वेस्टिगेशन के लिए उस चर्च की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें रानी देख लेती है, जिसके बाद शाम को सरिता उसे बताती है कि सुबह पुलिस चर्च में फादर से परमिशन लेने के लिए गई थी ताकि वो लोग सेमेट्री को खोद कर चेक कर सके कि कहीं जॉर्ज ने वरुण की बॉडी वहाँ छुपाई हो। इसलिए अब घबराहट में रानी तुरंत जॉर्ज को कॉल करती है और उसे अर्जेंटली घर आने को कहती है। जॉर्ज के घर आते ही वो उसे घर के अंदर लेके जाती है और सारी बात बताकर अलर्ट होने को कहती है। और वहाँ सरिता और साबू अपने घर में रिकॉर्डर पर इन दोनों की बातें सुनने लगते हैं, क्योंकि सरिता ने ऑलरेडी उनके घर में जगह जगह माइक्रोफोन्स छुपा कर रख दिए थे, ये जानने के लिए कि कब जॉर्ज उन लोगों से उस डेड बॉडी के बारे में बात करेगा। लेकिन रानी को बहुत परेशान देख जॉर्ज उसे बताता है कि डेड बॉडी सेमेट्री में नहीं है और आगे इस बारे में उसे कुछ भी पूछने से मना करता है। अब एक दिन जॉर्ज होटल में बैठकर चाय पी रहा था, तभी वो कुछ लोगों को बातें करते सुनता है कि पुलिस अंदर ही अंदर वरुण मर्डर केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन करने लगी है और उस रात जॉर्ज की लोकेशन देने वाले को इनाम भी देने का सोच रही है। तभी उसे उस रात वाला सीन फिर से याद आता है और वो पुलिस स्टेशन में जाकर जॉर्ज की लोकेशन बताने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसके बदले में वो उनसे 5 लाख की कीमत मांगता है ताकि अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सके। आईजीपी थॉमस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उस पर विश्वास करके ये बात वरुण के माता पिता गीता और प्रभाकर को देता है और उन्हें तुरंत 5 लाख रुपए लेकर यहाँ आने को कहता है। पैसे मिलने के बाद जॉर्ज उन्हें बता देता है कि उसने उस रात जॉर्ज को उस पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए देखा था जहाँ पर थॉमस अभी बैठता है। वो लोग भी तुरंत उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उस समय उस पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, जिसका फायदा उठाकर जॉर्ज ने वो बॉडी वहीं दफनाई होगी। इसलिए अब थॉमस और गीता बिना किसी मीडिया या गांव के लोगों को पता चले उस पुलिस स्टेशन के फ्लोर को सीक्रेटली खोदने का काम स्टार्ट कर देते हैं और फाइनली उन्हें वहाँ वो स्केल्टन मिल जाता है और तुरंत उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज देते हैं, जिसके बाद गांव के लोगों में भी ये बात फैल जाती है और मीडिया वालों को भी बुलाया जाता है। तभी गांव का एक आदमी आकर जॉर्ज को इस बात की खबर देता है और जॉर्ज मानो कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। रानी और बच्चे भी समझ जाते हैं कि अब उनका क्राइम पकड़ा जाएगा और उन्हें अपनी बाकी की लाइफ जेल में स्पेंड करनी पड़ेगी। बट फिर जॉर्ज तुरंत अपने ऑफिस चला जाता है और सीसीटीवी में पुलिस स्टेशन का फुटेज देखने लगता है, जिसमें उसे रियलाइज होता है कि उस स्केल्टन को बॉक्स में डालकर टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके बाद थॉमस और गीता जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली से इन्वेस्टिगेशन करने की पिटीशन फाइल करते हैं और कोर्ट से अप्रूवल भी ले लेते हैं। लेकिन कोर्ट उन्हें सिर्फ एक ही दिन इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन देता है और अगले ही दिन उनकी फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ जॉर्ज और उसकी फैमिली को सरिता और साबू की सच्चाई भी पता चल जाती है और उनसे सच उगलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जॉर्ज अब भी उन्हें कुछ नहीं बताता और वहीं अपने पुराने स्टेटमेंट्स को रिपीट करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर गीता उसे चाटा मारती है और उसके फैमिली के सामने उसे जलील करती है, जिसके बाद वो अंजू से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और बहुत एग्रेसिवली उसे अपना कन्फेशन देने को कहती है। लेकिन इससे अंजू के ब्रेन में वो इंसिडेंट ट्रिगर होता है और उसे एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लगते हैं। फिर जॉर्ज के बताने पर उन्हें अंजू की बीमारी का पता लगता है और उसके लिए तुरंत डॉक्टर बुलाया जाता है। अंजू की ऐसी कंडीशन को देखकर जॉर्ज कन्फेशन देने के लिए रेडी होता है और अंजू को बचाने के लिए उनसे ये कहता है कि वरुण का मर्डर उसने किया था। वो कहता है कि वरुण छुप छुप कर उसके घर के पास भटक रहा था, जिसके लिए उसे लगा कि वो कोई चोर है और इसलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए उस पर घबरा कर अटैक किया और रॉड सिर पर लगने की वजह से वरुण मारा गया। मोर ओवर उसके पास वरुण के कपड़े और अपने फिंगरप्रिंट्स वाले रॉड भी हैं, जो प्रूफ था कि मर्डर उसने किया था। अब गीता चाहती थी कि जॉर्ज के कन्फेशन के बाद भी अंजू और रानी को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वरुण के मर्डर में वही दोनों इन्वॉल्व थे। लेकिन थॉमस उन्हें समझाता है कि अंजू के खिलाफ उनके पास फिलहाल कोई एविडेंस नहीं है और अगर मिल भी जाते हैं तो अंजू को जुविनाइल के केस में कम सजा होगी, इसलिए जैसा जॉर्ज कह रहा है वैसे ही हम उसे क्रिमिनल प्रूफ करेंगे और उसकी वाइफ और बेटी को जॉर्ज का साथ देने के लिए और एविडेंस को छुपाने के लिए सजा दिलवाएंगे। अब जॉर्ज के कन्फेशन के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे कोर्ट लाने की तैयारी की जाती है। वहाँ थॉमस, गीता और प्रभाकर
कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट करने लगते हैं कि तभी विनय चंद्रन, जो जॉर्ज की मूवी का स्क्रीन प्ले लिख रहा था, वो उनसे मिलने चला आता है। वो उन्हें बताता है कि वो जॉर्ज के मूवी के लिए एक स्क्रीन प्ले लिख रहा है, जिसकी स्टोरी उसे जॉर्ज ने करीब 4 साल पहले 2016 में सुनाई थी। उस स्टोरी में कृष्ण कुमार नाम का एक बिजनेसमैन होता है, जो अपने वाइफ और 18 साल के बेटे ज्योतिष के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा था। फिर एक दिन ज्योतिष का अपने कॉलेज के एक लड़के वेणुराज के साथ झगड़ा हो जाता है और वो बदला लेने के लिए ज्योतिष के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है और गलती से वेणुराज ज्योतिष के हाथों मारा जाता है। वेणुराज एक लोकल विधायक का बेटा था, जिस वजह से कृष्ण कुमार जानता था कि विधायक किसी भी हाल में अपने बेटे की मौत का बदला ज्योतिष से जरूर लेगा, इसलिए वो अपनी वाइफ और बेटे ज्योतिष को अपने रिलेटिव्स के पास भेज देता है और खुद वेणुराज की डेड बॉडी को अंडर कंस्ट्रक्शन विधायक के पार्टी ऑफिस के नीचे दफना देता है। पर कृष्ण कुमार को पता था कि वो कभी न कभी पकड़ा जाएगा, इसलिए वो ऐसे एविडेंस क्रिएट करता है जिसे ये प्रूफ हो जाए कि वेणुराज का मर्डर उसने खुद किया था। और एग्जैक्टली होता भी वैसे ही है। पुलिस को वेणुराज की बॉडी मिल जाती है और कृष्ण कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये तीनों समझ गए थे कि जॉर्ज ने वो स्क्रिप्ट अपनी ही लाइफ पर लिखी थी और शौक में थे कि उसने अपने पकड़े जाने की पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी। इसलिए गीता विनय चंद्रम से पूछती है कि अगर तुम्हारे स्क्रिप्ट 2 साल पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी तो तुम लोगों ने उस पर मूवी क्यों नहीं बनाई। विनय चंद्रन कहता है कि जॉर्ज को उस स्क्रीन प्ले के क्लाइमेक्स में हर बार कुछ ना कुछ फॉल्ट मिलता था, इसलिए वो उस पर और रिसर्च करने के लिए समय लेता, बट फाइनली उसने अपना क्लाइमेक्स कंप्लीट कर दिया जो मुझे पसंद नहीं आया और हमने उस क्लाइमेक्स पर और थोड़ी रिसर्च करने के लिए समय लिया, लेकिन ये स्क्रिप्ट लीक ना हो जाए इसलिए जॉर्ज ने 6 महीने पहले उस स्क्रिप्ट को एक नॉवल के रूप में पब्लिश कर दिया और उसका कॉपीराइट भी करवा लिया और ये नॉवल उसने विनय चंद्रम के नाम से पब्लिश करवाई थी, जिसके मार्केट में कुछ ही कॉपीज अवेलेबल थी। तभी थॉमस को कोर्ट से अपने ऑफिसर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जॉर्ज क्लेम कर रहा है कि पुलिस ने जबरदस्ती से उसका कन्फेशन लिया है और जॉर्ज के लॉयर का कहना था कि पुलिस जॉर्ज को इस केस में फंसा रही है और ठीक वैसे ही सिचुएशंस और एविडेंस क्रिएट कर रही है जिस तरह 6 महीने पहले रिलीज हुई एक नॉवल दृश्यम में लिखा गया था। तभी वहाँ उस स्केल्टन की DNA रिपोर्ट लाई जाती है, जिसमें पता लगता है कि वो स्केल्टन वरुण का है ही नहीं, जिसके बाद जॉर्ज कुट्टी को इस केस से रिलीज कर दिया जाता है और जज पुलिस को वार्न करते हैं कि आगे से जॉर्ज और उसकी फैमिली को बिना कंक्लूसिव एविडेंस के परेशान ना करे। और अब विनय चंद्रम उन्हें उनकी स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स सुनाता है, जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। उस स्क्रिप्ट का हीरो जो कि जॉर्ज खुद था, जो जानता था कि कभी न कभी पुलिस वरुण की बॉडी ढूंढ निकालेगी, इसलिए वो एक मास्टर प्लान बनाता है और एक ऐसे यंग लड़के की डेड बॉडी की तलाश में लग जाता है जिसकी डेथ सिर पर घाव लगने से हुई थी। कई दिन ढूंढने के बाद उसे अपने शहर में एक ऐसे ही लड़के के मरने की खबर मिलती है। वो उसके फ्यूनरल में जाकर उस सेमेट्री के डेड बॉडी दफनाने वाले से फ्रेंडशिप कर लेता है और उस बॉडी के स्केल्टन में कन्वर्ट होने का वेट करने लगता है। इस बीच वो उस आदमी को कभी कभी शराब पिलाता, उसे पैसों की मदद करता ताकि वो उसका विश्वास जीत सके। और फाइनली जब उस डेड बॉडी के स्केल्टन में बदलने का टाइम हो चुका था, तो वो उस आदमी की मदद से उस स्केल्टन को निकाल कर अपने ऑफिस में छुपा देता है। उसके बाद जॉर्ज अपनी मूवी स्क्रिप्ट पे काम करने लग जाता है और विनय चंद्रम से एक हेल्प की रिक्वेस्ट करता है। अब क्योंकि उसकी मूवी स्टोरी में पुलिस वालों को उस पुलिस स्टेशन से विक्टिम की डेड बॉडी मिल जाती है, तो जॉर्ज अपनी मूवी को एकदम परफेक्ट और रियलिस्टिक बनाने के बहाने से ये जानना चाहता था कि पुलिस रियलिटी में किसी डेड बॉडी के स्केल्टन की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस और प्रोसीजर फॉलो करती है। इसलिए विनय चंद्रम जॉर्ज की इस रिक्वेस्ट पर हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और अपने एक पहचान के पुलिस ऑफिसर से मूवी स्क्रिप्ट के रिसर्च के बहाने से उस प्रोसेस और प्रोसीजर की नॉलेज ले लेता है। फिर यही बात वो जॉर्ज से शेयर करता है कि जब भी पुलिस को कोई स्केल्टन मिलता है तो वो लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसे DNA टेस्ट के लिए त्रिवेंद्रम के फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। अब जॉर्ज उस फॉरेंसिक लैब के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती कर लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि राजन था, जिससे जॉर्ज अपनी मूवी में रोल देने के बहाने से कभी कभी मिलने जाता था। जॉर्ज उसका विश्वास जीतने के लिए कई बार उसके साथ शराब पीने के बहाने से मिलने आता
और उसी फॉरेंसिक लैब में रहे राजन के रूम में एक रात रहकर सुबह निकल जाता। और ऐसा जॉर्ज तब तक करता रहा जब तक पुलिस को वरुण के स्केल्टन नहीं मिल जाते। और फाइनली वो दिन आ गया जब वरुण के स्केल्टन पुलिस के हाथ लग जाते हैं और डीएनए टेस्ट के लिए उसे त्रिवेंद्रम भेजा जाता है। जॉर्ज भी जब अपने सीसीटीवी में उस स्केल्टन को गाड़ी में ले जाते हुए देखता है, तब वो भी अपने ऑफिस में छुपाए उस लड़के के स्केल्टन को लेकर राजन से मिलने चला जाता है। वरुण के स्केल्टन को अगले दिन टेस्ट करने के लिए फॉरेंसिक लैब में रखा गया था और वहीं जॉर्ज राजन के रूम में बैठकर शराब पीने का बहाना बनाता है और राजन के सो जाने के बाद वरुण के स्केल्टन को उस लड़के के स्केल्टन से रिप्लेस कर देता है। उसके बाद वो वरुण के स्केल्टन को जला देता है और किसी तरह उसके अस्थियों को गीता और प्रभाकर के पास पहुंचा देता है। फाइनली प्रभाकर वरुण के अस्थियों का विसर्जन कर देता है और जॉर्ज दूर से उन्हें देख रहा होता है। फिर थॉमस गीता को समझाता है कि उसे अब सारी बात भूल जानी चाहिए, क्योंकि वो लोग कितना भी कोशिश कर ले जॉर्ज और उसकी फैमिली को सजा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि जॉर्ज ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रण लिया है और वो उन्हें हर हाल में बचाता रहेगा। गीता भी थॉमस की बात से कन्विंस हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।